हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ संध्या। कैसे हैं आप सब? सो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बैसाखी लुक। बैसाखी लुक इसलिए बिकॉज बैसाखी किसी फेस्टिवल से कम नहीं है एंड मेनली फॉर पंजाबीज। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे फुलकारी दुपट्टा भी कैरी किया है। तो इस लुक को मैंने कैसे क्रिएट किया है मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो उसके लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर करें। तो चलिए देखते हैं हाउ आई क्रिएट दिस लुक। विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स बिगिन। ऑलराइट गाइज, अगर आप मुझे लॉन्ग टर्म से फॉलो कर रहे हैं एंड अगर आप बेसिक रूटीन फॉलो करते हैं हाउ टू प्रेप योर स्किन बिफोर मेकअप, तो उसमें जो पहला स्टेप होता है वो है टोनर। एंड मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये गुड वाइब्स का रोज ग्लो टोनर। एंड मैं इसको अपने पूरे फेस पे अच्छे से स्प्रे करूँगी। स्प्रे करने से पहले मैं इसको एक्टिवेट करूँगी, इसको मैं शेक करूँगी सो दैट जो टोनर है वो एक्टिवेट हो जाए। तो मैं इसको थोड़ा सा शेक करके अपने पूरे फेस पे स्प्रे करूँगी लाइक दिस। यहाँ पे मैंने अपने फेस पे बहुत अच्छे से टोनर स्प्रे कर लिया है। नाउ मैं इसको एयर ड्राई होने दूंगी एटलीस्ट 2 मिनट्स तक ताकि मेरे स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। एंड फेस वॉश करने के बाद जो मेरे स्किन के पोर्स ओपन हुए थे उनको ये क्लोज कर दे। सो टोनर जब आपका एयर ड्राई हो जाता है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज टू अप्लाई मॉइस्चराइजर। एंड मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ बायोटिक का मॉर्निंग नेक्टर मॉइस्चराइजर। बायोटिक का मॉर्निंग नेक्टर मॉइस्चराइजर जो है ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से नरिशमेंट देता है। तो थोड़े से अमाउंट में मैं अपनी स्किन में इसे अप्लाई करूँगी। एंड अप्लाई तब तक करना है जब तक ये इसका स्टिकनेस कम ना हो जाए। नाउ फॉर माई अंडर आईज, मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ गुड वाइब्स का कुकुम्बर एंड लेमन अंडर आईज सीरम। एंड इसको मैं थोड़े से ही अमाउंट में अपने अंडर आईज पे अप्लाई करूंगी। एंड मैं इसको अपने आईज के अराउंड अच्छे से अप्लाई करूंगी, अच्छे से मसाज करूंगी सो दैट मेरे आईज में जो एक रिलैक्सेशन हो एंड मेरी अंडर आई भी अच्छे से हाइड्रेटेड रहे। गाइस, अंडर आईज को हाइड्रेट रखने के साथ साथ आपको अपने लिप्स को भी हाइड्रेटेड रखना है। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ अपना मोस्ट फेवरेट लिप बम, दिस वन इज फ्रॉम मेबलिन बेबी लिप्स। थोड़े से अमाउंट में मैं इसे अप्लाई करूँगी। प्राइमिंग के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ NYB का प्राइमर। तो ये है एक ब्राइटनिंग प्राइमर, थोड़े से अमाउंट में इसको लूँगी। एंड अपने ओपन पोर्स की प्रॉब्लम मुझे जहाँ जहाँ है मैं उसको सिर्फ वहीं पे अप्लाई करके धीरे धीरे पूरे फेस पे स्प्रेड करूँगी। तो बहुत ही स्मूथली ये ब्लेंड हुआ है। नाउ मैं अपने अंडर आईज को कंसीलिंग करूँगी। कंसीलिंग के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ NYB का एज वेल एज मेबलिन फिटमी का कंसीलर, दोनों मिक्स करके। मेबलिन फिटमी का जो शेड नंबर है वो है 25 मीडियम एंड NYB का जो शेड नंबर है वो है कैरेमल फ्रिजल। ब्लेंडिंग के बाद जो मैं फाउंडेशन यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेबलिन फिटमी फाउंडेशन इन द शेड 128 वॉर्म न्यूट। एंड ये मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में शेयर किया है एंड बताया भी है कि अगर आप बिगनर हैं एंड फॉर अ बिगनर ये वाला फाउंडेशन बहुत अच्छा है। तो मैं हम बहुत नॉर्मल कवरेज में अपनी स्किन को दूंगी, इसलिए मैंने जो फाउंडेशन लिया है वो बहुत कम अमाउंट में लिया है। एंड इसी फाउंडेशन को मुझे अपने पूरे फेस नेक एरिया पर ब्लेंड करना है। तो मेकअप को सेट होने के बाद मैं जो यहाँ पे कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ ये है लॉरियल मैट मैजिक ऑल इन वन कॉम्पैक्ट इन द शेड N2 न्यूड वनीला। इसी का जो स्पॉन्ज है इसी की हेल्प से मैं अपने पूरे फेस पे इसको ब्लेंड करूँगी, स्पेशली अपने अंडर आईज पे। आईब्रोज के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वेटेड वाइल्ड की अल्टीमेट ब्रो किट, जिसमें ये दो शेड्स हैं डार्क ब्राउन एंड लाइट ब्राउन शेड्स। तो मैं ये दोनों शेड्स मिक्स करके ही लगाती हूँ हमेशा। एंड फॉर आई शेडो लुक मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ निका के न्यूयॉर्क का पैलेट इन द शेड शुगर प्लम। एंड इसमें मैं आईलिट पे सिर्फ आईलिट को कवर करूंगी इस कलर से जो कि थोड़ा सा बर्गंडी शेड है, तो
इससे मैं अपनी सिर्फ आईलिड को कवर करूँगी, एंड थोड़ा सा ना ये शिमरी शेड है, तो लेट्स सी कैसा लगता है अप्लाई करने के बाद। आईज के आउटर साइड मैं इस कलर से ब्लेंड करूंगी जो इससे भी थोड़ा सा डार्क शेड है, तो मैं आउटर साइड इसे ब्लेंड करूंगी। एंड फॉर शिमर्स मैं ये वाला शिमर यूज कर रही हूँ, अपनी फिंगर के हेल्प से मैं इसे अप्लाई करूंगी। आईलाइनर के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ एले कलर्स का आईलाइनर ब्लैक शेड में। मस्कारा के लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगी सेरी का वॉल्यूमिनाइजिंग मस्कारा। ये मस्कारा बहुत अच्छा इल्यूजन देता है कि आपने ना फेक आईलैशेस लगाए हैं, तो मैं एवरी टाइम फेक आईलैशेस प्रेफर नहीं करती। अगर आपको फेक आईलैशेस यू नो बहुत फ्रिक्वेंटली आप लगा लेते हैं, आपको पसंद है तो आप लगा सकते हैं, बट मैं यहाँ पे लगाऊंगी सेरी का एक्सप्रेस लैश वॉल्यूमिनाइजिंग मस्कारा। देन फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं ये दोनों शेड्स लेके मैं अपने लोअर आईज पे इसे अप्लाई करूंगी। काजल के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ नायका का काजल। ब्लश कॉन्टोर हाइलाइटर के लिए मैं अपना ऑल इन वन पैलेट यूज कर रही हूँ। दिस वन इज फ्रॉम शुगर इन द शेड 01 सटल समिट, एंड इसके ये ब्यूटीफुल 3 शेड्स हैं कॉन्टोर हाइलाइटर एंड ब्लश, एंड तीनों ही मैं यूज करूंगी। लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ फेसेस की अल्टीमेट प्रो मैट लिप क्रेयॉन इन द शेड रेड फैंटेसी। Hey guys, I'm back with my final look. तो आप देख सकते हैं मेरा अब लुक टोटली कम्प्लीट है। मैंने यहाँ पे ज्वेलरी वेयर कर ली है, एंड साथ ही साथ मेरे को सिंपल सा हेयर स्टाइल मैंने यहाँ पे किया है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, एंड आई थिंक ये बैसाखी लुक को परफेक्ट मैच करता है, एंड प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक स्प्रेड करें ताकि ये उनके लिए भी हेल्पफुल रहे। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।